पंजाब में दलितों पर शराब के ठेकेदारों का अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी मानसा और जलंधर में हुई अत्याचार की घटनाएं की याद अभी भी फीकी नहीं पड़ी कि आज जिला संगरूर में शराब के ठेकेदारों ने संगरूर के डॉक्टर अंबेडकर नगर में रहने वाले एक दलित युवक बिट्टू के साथ दरिंदगी का नाच खेला। शराब के चार ठेकेदारों ने शराब तस्करी के शक में स्कूटर पर वापस आ रहे बिट्टू को उपली रोड पर पहले तो अपनी गाड़ी से टक्कर मार कर नीचे गिरा दिया और जब वो जमीन पर गिरा तो उसे तेजधार हथियारों से हमला कर उसको गंभीर जख्मी कर दिया। इतने पर ठेकेदारों की दरिंदगी खत्म नहीं हुई, ठेकेदार उसको गाड़ी में साथ उठाकर ले गए। जब बिट्टू की हालत बिगड़ गई और आखिरकार ठेकेदारों को यकीन हो गया कि बिट्टू मर गया तो वो बिट्टू को नाभा गेट पर फेंक कर चले गए। इसके बाद लोगों ने बिट्टू को संगरूर के अस्पताल में भर्ती करवाया जहां उसकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। जिक्र योग है कि जिन चार ठेकेदारों पर बिट्टू का हमला करने का आरोप है उनमें से एक बबलू शर्मा शिरोमणी अकाली दल का जिले में सीनियर वाइस प्रधान भी है। अस्पताल में जेरे इलाज बिट्टू ने बताया कि उस पर कातिलाना हमला किया गया था और उसमें से बबलू अकाली दल का नेता भी है। उधर मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक अभी बिट्टू बोलने की स्थिति में नहीं है, उसके परिजनों के बयानों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पंजाब में शराब के ठेकेदारों का कहर गरीबों और दलितों को झेलना पड़ रहा है, जबकि पंजाब सरकार इन दरिंदे बन चुके शराब के ठेकेदारों को सबक सिखाने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। सारी गलबात जानवर नहीं है अपने उधर, छोटा भरा मेरा इतनी उपली रोड थी मैगन पैलस ले बी। अच्छा। बस उत्थे गया होगा जी, बहुत उत्थे उन्होंने गड्डी मारी, चोला थी दे मूरे ही स्कूटर थी। अच्छा। चोला सी दे मूरे खाना दाना होंदा उन्हें जानवर आया था जी, उत्थे उन्होंने आया होगा भी बस की ले रहा, उन्होंने देखा तो है नहीं कुछ, बस उन्होंने बिच मारा गड्डी बिच ही भरना तो कंध के नाल ही मारा स्कूटर भी उत्थे ही पाई स्कूटर भी बिच ही। हाँ बिट्टू पुत्र बलवीर चंद अंबेडकर नगर संगरूर हस्पताल दाखिल होया इंजरी लगन कारण, ये संबंधी हस्पताल असं आए हैं जो डॉक्टर साहब ने पूछा है, उन्होंने एम एल आर जारी करती है, टोटल पांच इंजरी लगी हुई हैं जो लैसरेटेड वाउंड ने। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨਫਿਟ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਮੁਗਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੰਡਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮਾਰਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਗਏ ਉੱਤੇ।